रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की। Moments later. Hello so guys, क्या हाल चाल? मैं ना मनपसंद, आप देख रहे हैं मनपसंद यूट्यूब चैनल। तो guys, कैसे हो आप लोग और कैसे चले आपके सुन रहे हैं कुछ, प्लीज मेरे को कॉमेंट में जरूर बता देना। अब देखो इस वाले मैच में यहाँ पे लॉबी में उड़ रही थी गाड़ी, तो यहाँ पे गाड़ी का स्किन तो मैं डाउनलोड नहीं किया था। वट ये सुन बनता है ना इस वाले बंदे की, यहाँ पे मैं मानने वाला हूँ बहुत ज़्यादा गंदा। आपने शुरू में स्टार्टिंग में आपको क्लिप थोड़ा देख ही लिया होगा, बस आपको मैच में देखना है। अब देखो यहाँ पर जैसे लैंड करता हूँ तो मेरे राइट साइड तुरंत एक गाड़ी लैंड करती है। अब इस वाली गाड़ी को अपन यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं, लेकिन इस बंदे को जो यहाँ पर क्लिप चमका है ना पूरे मैच में, आप बस देखना शुरुआत। उतरते अपन फटाफट इवेंट पे और मचाते हैं इवेंट पर। तो भाई आपको पता है यहाँ पे इवेंट पर जितना होल्ड करोगे ना आपको उतना ही बेटर होने वाला है। समय पहले अपन चलते हैं फटाफट इवेंट पे, इवेंट के पहले फाइट देखो यहाँ से, फिर अपन चलते हैं आगे साइड को। अब देखो इस वाले बंदे को फिनिश करने के बाद यहाँ पे इवेंट पे बहुत ज़्यादा बंदे हैं, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बंदे फिनिश करने वाला हूँ। लेकिन आपके कल की वीडियो में आप लोग को बताया यहाँ पे कई बंदे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे इवेंट पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे आप मेरी बात मानोगे तो आपको यहाँ पे आप बगल में नहीं उतरना, सीधे अंदर उतरना अपन को इवेंट के, क्योंकि अपन को इवेंट के अंदर उतरने का अपने पास बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि अपन बंदे को फिनिश आराम से कर सकते हैं। इतना समय रहता है अपने पास कि अपन यहाँ पे गन उठा सकते हैं, आराम से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और बंदे को यहाँ पे पता भी नहीं चलता। अगर आपके सामने अलग अलग बंदा होता ना, अगर आप लोग यहाँ पे उसको फिनिश भी करते तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होने वाला, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी गन मिल जाती है, सामने वाले बंदे को नहीं मिलती है। क्योंकि आप ऊपर लैंड करते तो ऊपर रिस्क ये होता है कि आपको यहाँ पे मारेंगे या फिर मरेंगे, तो अपन को यहाँ पे ऑलरेडी सर्वाइव करने के लिए अपन नीचे आए हैं। अब यहाँ पे देखो एक सामने साइड यहाँ बंदा है जो यहाँ पे बहुत देर से कैम्प कर रहा होता है। अब इस वाले बंदे को क्या होता है, एक्चुअली ये बंदा यहाँ पे होल्ड करके बैठा हुआ था। अब जैसे मैं जाता हूँ ना इस बंदे के पास, बट ये बंदा यहाँ पे नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा था, और यहाँ पे मैं थोड़ा डर के जा रहा था कि अगर मैं इस साइड गया तो हो सके यहाँ पे मेरी पेटी बन जाए। इसलिए यहाँ पे मेरे को एक दो कुल और मिल जाए ना तो आराम से यहाँ पे बस देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे सामने साइड बंदा है, पहले इस बंदे से फाइट देखो मेरी कैसी होती है, और ये बंदे यहाँ पे हरकत देख रहे हैं इस बंदे की क्या करेगा ये। अब देखो इस वाले बंदे को फिनिश करने के बाद यहाँ पे इवेंट पे अभी और भी बंदे अपन और फिनिश करेंगे। बट इस बंदे की आपने यहाँ पे हरकत देखा, ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा था, बट यहाँ पे हीलिंग कर रहा था, लेकिन बंदे की यहाँ पे हो चुकी थी किस्मत बेकार। मैंने इस बंदे को यहाँ पर नेट मारा लेकिन नेट कोई फायदा नहीं हुआ, बट यहाँ पे इस बंदे को आखिरकार उन्होंने फिनिश कर लिए। अब देखो यहाँ की जो फाइट है आप बिल्कुल लास्ट तक देखो, आगे जो मज़ा आने वाला है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग मज़ा है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे बंदे होते हैं जो यहाँ पे किल पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पर किल पाने के लिए यहाँ पे अपना किल भूल जाते हो, अपन यहाँ पर किल निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे, आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी सेफ्टी आराम से करो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर साइड में बंदे हैं बहुत ज़्यादा बंदे हैं। अभी यहाँ पर मैं सोचूंगा थोड़ा और होल्ड करूँ और यहाँ पर एक दो किल और निकालूँ, बस यहाँ पर वेट करूँ थोड़ा सा और यहाँ पर देखूँ मैं कैसे और किल निकालता हूँ। Thank you.
अब देखो यहाँ पे जो मेरी किस्मत थी ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेरी यहाँ पे एचपी देख सकते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे पैन किलर नहीं होता ना तो यहाँ पे मेरे को बचने के कम चांस बचे हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हीलिंग मेरी जो यहाँ पे बिल्कुल लो एचपी है। देखो ये जो बंदा है ना, जो बंदे में कोई स्प्रे मारना ना मारेगा यही बंदा, लेकिन बंदे के यहाँ पे हर से देखना बंदे कैसे मारेगा। और मेरे को यहाँ पे विश्वास भी नहीं था कि बंदा मेरे को यहाँ पे ऐसे फिनिश कर सकता है। बस यहाँ पे देखना आपको ये मैं यहाँ पे मरा कैसा हूँ, और यहाँ पे देखना ज़रूर कि यहाँ पे मैं कैसे फिनिश हुआ हूँ। पता है एक मिनट यहाँ पे चौक गया था, बंदे ने मेरे को आखिरकार मारा तो मारा कहाँ से, बंदे ने यहाँ पे ऊपर से मारा, लेकिन यहाँ पे बंदे ने बहुत गलत मारा है। ऐसा बंदा यहाँ पे मेरे को पहली बार मिला तो यहाँ पे ऊपर से मारा है। देखो अब यहाँ पे उतरता हूँ, इवन से यहाँ पे आता हूँ नीचे साइड को। अब यहाँ पे देखो मैं उतरता हूँ एक ब्रिज के बगल में। अब ऐसे होते यहाँ पे उतरता हूँ जो यहाँ पे ऑलरेडी घर लूटा हुआ था, बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था। फिर क्राउन वन चल रहा है मेरा, मेरे को खाली 19 प्लस चाहिए एज लगाने के। यहाँ पे मेरे पास प्रोटेक्शन कार्ड भी नहीं है, और साथ साथ यहाँ पे मेरे को जाना था ओपन में। अगर ओपन में जाता तो आप लोगों को पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यहाँ पे 16 रैंक पर चल रहे भाई, कोई ना कोई फिनिश कर देगा। आखिरकार वहाँ से बचने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं अपन लोग। अब यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे एक बंदा मिलता है जो यहाँ पे बहुत प्यार से लूट रहा होता है। अब देखो इस बंदे की लूटने की हरकतें। अब देखो मैं जो इस बार बंदे को फिनिश किया है ना, कम से कम 2 सेकंड के लिए बंदा चौंक चुका होगा कि बंदा भाई कैसे मार दिया मेरे को, कैसे फिनिश कर दिया। लेकिन मेरे को भी नहीं पता था ये बंदा रियल है। यहाँ पर मेरे को लग रहा था बंदा बोट है, कपड़े से देख के मेरे को लग रहा था एक्चुअली बोट है, लेकिन बंदा यहाँ पर रियल निकलता है। अब देखो रियल तो निकलता है, ऐसे ऐसे कई बार हो चुका है कि अपन बोट समझ के कई बार अपन खुद मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं खुद चौंक गया था ये वाला बंदा यहाँ पर रियल है, क्योंकि ऐसे वैसे लूट रहा था, मेरे को लग रहा था ये बंदा यहाँ पर बोट है। लेकिन आखिरकार अपन ने इस बंदे को फिनिश कर ही दिया। आप देखो फटाफट यहाँ से लूटते हैं और निकलते हैं जोन साइड को। जोन ने आगे अच्छी से पोजीशन होल्ड की, इस वाले मैच में अपन को प्लस भी निकालना है बहुत ज़्यादा दर्द। चलो फटाफट पहले चलते हैं आगे साइड को। अब देखो अपने यहाँ पे आगे साइड आ चुके हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल अपन एंट्री लेने वाले हैं बिल्कुल लास्ट जोन में। अब लास्ट जोन में अपन एंट्री क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते बंदे यहाँ पे 23-24 बंदे यहाँ पे अलाइव हुए हैं, और 24 बंदों में से यहाँ पे अगर आप फिनिश हो जाओगे ना तो आपको यहाँ पर ज़्यादा तगड़ा प्लस नहीं मिलेगा। अगर जोन को आप सर्वाइव कर दो ना जोन में, आपको जोन में आपको प्लस बहुत तगड़ा मिलता है, मेरे को इतना पता है। बस देखो यहाँ पर फटाफट हिल वेटिंग करके अपन निकलते हैं जोन साइड को। आप जैसे जोन पहुँचेंगे ना वहाँ पर एक बंदा मिलने वाला है। अब उस बंदे को थोड़ी क्या मैं डैमेज दिया भाई, बंदा आ चुका था गुस्से में और सीधा कर दिया था मेरे को कुछ। तो बस वो के लिए बस जरूर देखना, वो के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो चलो फिर एंट्री कर लेते हैं जोन में। अब देखो यहाँ पे मैं बहुत देर से घूम रहा था, मेरे को यहाँ पे अच्छी सी पोजीशन नहीं मिल रही थी, मैं कहाँ पे होल्ड करूँ। अगर यहाँ पे मैं ओपन में होल्ड कर देना तो यहाँ पे हो सकता है मेरे को कोई फिनिश कर दिए। अगर देखो यहाँ पे मेरे को कोई जगह नहीं मिलती तो मैं यहीं पे होल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जोन था तो यहीं सोच रहा था होल्ड कर लेता हूँ। बट यहाँ पे जैसे मैं होल्ड करता ना तो यहाँ पे स्कॉट हाउस में यहाँ पे एक प्यारा सा बंदा था, जो यहाँ पे आपने यहाँ पे BRDM को सेव करे रखा था। बस देखो इस बंदे की यहाँ पे सेव की हरकतें, और जो इस बंदे को फिनिश करूँगा ना बस वो देखो। भाई मैंने इस बंदे को यहाँ पर थोड़ी सी
अब मैंने इस बंदे को यहाँ पर थोड़ी सी एमओ क्या मार दी भाई, बंदा आ चुका था गुस्से में, सीधा यहाँ पर मेरे पे गाड़ी ठोका है। लेकिन बट यहाँ पे अपनी उतने में यहाँ पर सामने साइड से एक बंदा मेरे पे पुश कर देता है। बट इस बंदे को यहाँ पर देखो, अपन ने पीटी बहुत ज्यादा गंदी बनाई, बेचारे की यहाँ पे किस्मत बहुत बेकार है। बंदे ने यहाँ पे बड़ी प्यार से बीआईडी मंगाई है और बंदे को यहाँ पे बीआईडी चलाने तक नहीं मिले, तो भाई यहाँ पे दुख होता है। यहाँ पे देखो अब इस बंदे की यहाँ पे हरकत है, इसको भागना चाहिए था, सीधा मेरे पे पुश किया बंदे ने। यहाँ पे सोच चुका बंदे को फिनिश कर दूं, बंदा यहाँ पे ओपन है बट, लेकिन इस बंदे की यहाँ पे बाट खुद लग जाती है। लेकिन अगर ये बंदे ऐसे ओपन में निकल जाता है यहाँ पे थोड़ा सर्वाइव और कर सकता, लेकिन यहाँ पे इसकी किस्मत है बेकार। तो यहाँ पे देखो फटाफट अब लास्ट जोन है, यहाँ पे मेरे को अच्छी से पोजीशन करनी है। अब जो यहाँ पे लास्ट जोन में यहाँ पे पोजीशन होल्ड करने के लिए निकलता हूँ ना, बट वहाँ पे देखना यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे मेरा दिमाग ही नहीं चला मैं क्या कर पाऊँ, बट यहाँ पे देखना जरूर क्या होने वाला है। ठीक है अब देखो यहाँ पे मेरी मतलब यहाँ पे मैं कर रहा था जोन स्टार्ट होने का वेट, मैं बहुत देर से वेट कर रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट जैसे होगा ना वैसे अपन यहाँ से निकलेंगे फटाफट जोन के साइड को, क्योंकि जोन का अपना पोजीशन भी होल्ड करना है। तो देखो बस यहाँ से निकलते हैं फटाफट पहले। अब देखो यहाँ पे जैसे जोन स्टार्ट होता है ना अपन निकलते हैं फटाफट जोन की पोजीशन होल्ड करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे पोजीशन होल्ड करते हैं तो इस वाली गाड़ी में एक्चुअली फ्यूल सब कुछ था, लेकिन मैं तो अभी यहाँ पे लैम्बो बनाने के चक्कर में यहाँ पे अपना लैम्बो उठा लेता हूँ। बट ये लैम्बो मेरी यहाँ पे साथ छोड़ने वाली है, अगर मैं यहाँ पे मैकलन होती ना तो यहाँ पे हो सकते 99% यहाँ पे बस जाऊँ, लेकिन यहाँ पे अपनी किस्मत ही बेकार है। तो भाई दूसरों को कोर्स दिन से क्या फायदा, बस देखो यहाँ पर यहाँ पे कैसे फिनिश होने वाले हैं और यहाँ पे मैं कैसे बचता हूँ वो भी देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं जैसे ही चढ़ता हूँ ना घर के अंदर, उतने में यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, मैं यहाँ पे फिनिश होने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे चढ़ता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई दूसरा बंदा फिनिश कर देता है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते अपन नेक्स्ट वीडियो में, और आज अपने यहाँ पे एस लगने वाला है तो आप जरूर लेना। तब तक ले बाय बाय।